गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। डे टू का भी शुरुआत मैं करने वाला हूँ 45 मिनट्स एम्प्टी स्टोमा कार्डियो से। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कार्डियो से पहले मैं लेता हूँ 2 फैट लॉस टैबलेट्स जो कि मसल बेस का है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड के साथ जा सकते हैं, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ये है कि मसल बेस फैट बर्नर थोड़ा बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैं लूँगा प्री वर्कआउट मील जिसमें मैं लेने वाला हूँ 1 स्कूप वे प्रोटीन। और उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं आज बैक वर्कआउट। जो पहला वर्कआउट मैं करने वाला हूँ वो है क्लोज ग्रिप पुल डाउन, लेकिन यहाँ पर जो अटैचमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा यूनिक है। और इस अटैचमेंट का खासियत ये है कि इसमें आपके बाइसेप के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है, और ये खाली आपके बैक विड्थ के ऊपर काम नहीं करता है बल्कि बैक के थिकनेस के ऊपर भी काम करता है अगर आप ये यूनिक अटैचमेंट यूज़ करते हैं। और इसे मैं लगाने वाला हूँ 2 वार्म अप सेट्स यानी कि मसल एक्टिवेशन सेट, ताकि बाद में जब आप हैवी वेट यूज़ करें आपको इंजुरी ना हो। और उसके बाद 3 वर्किंग सेट, और रिपीटेशन वही रहेगा। पहले जो वार्म अप सेट रहेंगे उसका रिपीटेशन में लगाने वाला हूँ 15 से 20 रिपीटेशन, और उसके बाद जो वर्किंग सेट में लगाऊंगा उसमें मैं रिपीटेशन लगाऊंगा 15 से लेके 8 रिपीटेशन तक। जो सेकेंड एक्सरसाइज में करने वाला हूँ वो है मिडोज रोज। ये मिडोज रोज इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसे जॉन मिडोज ने मॉडिफाई किया हुआ है ये एक्सरसाइज। इसे हम सिंगल हैंड में लगाने वाले हैं, और ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करता है आपके अपर बैक के लिए, ट्रैप्स के लिए और रियर डेल्ट के लिए। और इसे मैं लगाने वाला हूँ 3 सेट। जो तीसरा एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है लोअर बैक के लिए, और यहाँ पर आपको केबल पुली पूरे नीचे की तरफ लगाना है और वहाँ से एक चेयर के ऊपर बैठना है। अगर चेस्ट सपोर्टेड रहे तो और भी अच्छा है, अगर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर चेस्ट सपोर्टेड रहेगा तो आपको बेहतर कंट्रैक्शन मिलेगा जब आप रोप को पुल करेंगे। यहाँ पर भी मैं लगाने वाला हूँ 3 सेट। जो चौथा एक्सरसाइज है वो है ड्यूअल हैंड पुल डाउन। यहाँ पर मैं स्पॉन्जी ग्रिप यूज़ कर रहा हूँ ड्यूअल हैंड के लिए, और जो बैक मशीन है उसके आगे मैं और एक बेंच लगा रहा हूँ डिस्टेंस बढ़ाने के लिए। और ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करता है आपके बैक के डिटेलिंग के लिए। मतलब बैक, जब आप बैक पोज लगाते हैं ना तो आप जो डिटेल सेपरेशन दिखता है, तो ये एक्सरसाइज उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसे भी मैं लगाने वाला हूँ 3 से। Let's go. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work 'cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life 'cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. जो लास्ट एक्सरसाइज में करने वाला वो है बैक फ्लाई। यहाँ पर आपको जो हैंड पोजीशन है ना थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है और आपका चेस्ट थोड़ा आगे की तरफ लीन लेना चाहिए, ताकि जो प्रेशर है आपके रियर डेल्ट के ऊपर ज़्यादा ना आए बल्कि आपके मिडिल बैक के ऊपर आए। तो इसे भी लगाने वाला हूँ लाइट वेट के साथ 15 से 20 रिपीटेशन 2 सेट। But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything?
my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that ever